नमस्कार, पहाड़ प्राइम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अनु सिंह। खबरों की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर से करेंगे। देहरादून से खबर, जहां दो आईएएस और तीन पीसीएस अधिकारियों में कफेर बदल हुआ है। यहां विजय कुमार जोगदंडे को मिली है अपर सचिव सूचना प्रौद्योगिकी और विज्ञान प्रौद्योगिकी की जिम्मेदारी। साथ ही वरुण चौधरी को मुख्य विकास अधिकारी पिथौरागढ़ बनाया गया है। वैभव गुप्ता को नगर आयुक्त नगर निगम कोटद्वार बनाया गया है। तो इनके अलावा किशन सिंह नेगी को विशेष भूमि आज्ञापति अधिकारी देहरादून बनाया गया है। सोहन सिंह सैनी को डिप्टी कलेक्टर पौड़ी की जिम्मेदारी दी गई है। ये कुछ फेरबदल किए गए हैं। इस वक्त की बड़ी खबर, दो आईएएस और तीन पीसीएस अधिकारियों का फेरबदल। जोशीमठ में चीन सीमा से लगते माणा गांव में मोबाइल 4G सेवा की शुरुआत हो गई है। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने वर्चुअल माध्यम से इसकी शुरुआत की। इस मौके पर बद्री केदार मंदिर समिति के अध्यक्ष अजेंद्र अजय भी मौजूद रहे। 4G सेवा की शुरुआत से इस इलाके में अब मोबाइल कनेक्टिविटी में काफी सुधार होगा। उधर उत्तराखंड में भाजपा ने आगामी कार्यक्रमों की तैयारियां शुरू कर दी है। इसी कड़ी में देहरादून में भाजपा की एक बैठक हुई, जिसमें एक तरफ संगठन को मजबूत करने पर चर्चा हुई, तो वहीं संगठन के बड़े नेताओं को जिम्मेदारी सौंपने पर भी मंथन हुआ। लोकसभा और निकाय चुनाव जैसे जैसे करीब आ रहे हैं, भाजपा ने अपनी चुनावी तैयारियों को धार देनी शुरू कर दी है। देहरादून में हुई भाजपा की बैठक के दौरान पार्टी की आगामी रणनीति को लेकर चर्चा हुई। इसके साथ ही संगठन में बड़े नेताओं को जिम्मेदारी सौंपने को लेकर भी मंथन हुआ। संगठन स्तर पर जिन नेताओं को बड़ी जिम्मेदारी सौंपी जाएगी, उनकी लिस्ट तैयार की जा रही है। दायित्वधारियों का भी पैरेलल चल रहा है, वो भी होगा। सभी चीजें जल्दी जल्दी निपटा देंगे और फिर उत्तराखंड को गति देने के लिए काम करेंगे। जो आदरणीय मोदी जी ने कहा है कि अगला दशक उत्तराखंड का होगा, उसको पूर्णता करने के लिए हम काम कर रहे हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी मीटिंग में शामिल हुए। सीएम ने कहा कि भाजपा आगामी चुनावों में भी दमदार प्रदर्शन करेगी, क्योंकि पूरे प्रदेश की टीम नहीं बन गई है। महेंद्र भट्ट जी के नेतृत्व में अभी उनके बनने के बाद पंचायत का चुनाव हुआ हरिद्वार का, जिसमें ऐतिहासिक विजय श्री हमको मिली है। आगे आने वाले समय के लिए जो हमारे निकाय के चुनाव हैं और लोकसभा के चुनाव हैं, उन चुनावों के लिए हमारे सभी कार्यकर्ता अपने अपने स्थानों पर जनहित के कामों को आगे बढ़ाएंगे, संगठन के कामों को आगे बढ़ाएंगे। आज उनकी पहली बैठक हो रही है, मैं सभी को बहुत शुभकामनाएं देता हूं। उत्तराखंड विधानसभा चुनाव में भाजपा ने शानदार प्रदर्शन किया था, तो वहीं हरिद्वार में हुए पंचायत चुनाव में भी भाजपा की परफॉर्मेंस काफी अच्छी रही है। भाजपा की कोशिश है कि जीत के इसी क्रम को 2024 के लोकसभा चुनाव तक इसी तरह से बरकरार रखा जाए। एबीपी गंगा के लिए देहरादून से पंकज राणा की रिपोर्ट। उधर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट का कहना है कि जल्द ही दायित्वों का बंटवारा कर दिया जाएगा, साथ ही संगठन का विस्तार भी जल्द होने की बात कही है। अभी संगठन के दायित्व मिल रहे हैं, उसके बाद सरकार के दायित्व मिलेंगे। मुख्यमंत्री हमारे कार्यक्रम में आए थे और मुख्यमंत्री बहुत सार्वजनिक तरीके से कार्यकर्ताओं का उत्साह वर्धन के लिए जो भी सरकार की ओर से होना है वो सारे विषय यहाँ पर रखे गए। संगठन विस्तार का टाइम बाउंड बना दिया है हमारे, 12 तारीख तक हम अपने जिले के पूरी कार्यकारिणी और मोर्चों की प्रदेश की कार्यकारिणी बना देंगे। इसके बाद हमारे जिले के पदाधिकारी ये मंडलों के प्रभारी बनेंगे और हमने तय किया है कि हम दिसंबर अंत तक अपनी मंडल की कार्य समिति घोषित कर दें। पूर्व सीएम हरीश रावत हल्द्वानी पहुंचे। इस दौरान हिमाचल चुनाव में कांग्रेस को मिली जीत पर हरीश रावत का बयान सामने आया। हरीश रावत ने कहा है कि पार्टी को इस जीत से संजीवनी मिली है। बल्कि मैं हिमाचल जब गया था तो मैंने उनसे कहा कि तुम्हारा छोटा भाई उत्तराखंड तो इस मौके को गवा चुका है, आप मत गवाइए, आपको इतिहास की शुरुआत करने का ये अवसर मिल रहा है और यहाँ से अब बदलाव की शुरुआत होगी और मैं उसके लिए हिमाचल प्रदेश के विधानसभा चुनाव के नतीजों पर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि हार का अंतर कम रहा है और भाजपा ने भी वहां अच्छा प्रदर्शन किया है। जहां तक हिमाचल के चुनाव का प्रश्न है, वहां पर जो वोटों का प्रतिशत है महज 0.9% का अंतर है और उसमें से भी लगभग 12% जो हमारे ही
विचारधारा से अपना इत्तिफाक रखने वाले, उनको भी 12% जो वोट शेयर उनकी तरफ चला गया, जिसके कारण से ये सीटें जरूर ज़्यादा हो गई हैं उनकी, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं कि बहुत बड़ा कोई एकदम से एक तरफा कोई चुनाव हुआ हो। सहकारिता विभाग की भर्तियों में हुई धांधली का मामला गरमाया हुआ है। जांच समिति 2 महीने पहले ही जांच रिपोर्ट शासन को सौंप चुकी है, लेकिन इस पर कार्रवाई होना तो दूर, अभी तक ये तय नहीं हो पाया कि इसके पीछे कौन कौन शामिल है। सूत्रों से ये भी जानकारी मिली है कि विभागीय मंत्री धन सिंह रावत के पास फाइल भेजी जा चुकी है, मगर वो उसे रिसीव नहीं कर रहे। कांग्रेस भी इसे लेकर भाजपा पर हमलावर है। आपको बता दें कि साल 2020 में जिला सहकारी बैंकों में चतुर्थ श्रेणी के 432 पदों के लिए भर्ती हुई थी, लेकिन ये सभी से उसी समय से ये सवालों के घेरे में बनी हुई हैं भर्तियां, और इस पर अभी तक कोई कदम नहीं उठाया गया। कोऑपरेटिव विभाग में जितनी भी नियुक्तियां होती हैं वो बोल्ड करता है, और जब मुझे पता चला कि भाई कुछ खामियां हैं उसमें, वैसे तो सबसे पारदर्शी नियुक्ति हमारे राज्य में हो रही है, तो हमने जांच के आदेश दिए हैं, और जैसे जांच मेरे पास आएगी, अभी तक तो मेरे पास आई नहीं, लेकिन मैंने कहा कि जल्दी दीजिए, तो अगर गड़बड़ होगा तो उनके खिलाफ निश्चित रूप से कार्रवाई होगी। सहकारिता मंत्री जी उत्तराखंड के युवाओं की आंखों में धूल झोंकते हुए गलत तरीकों से नौकरियों की बंदरबांट कर रहे, नौकरियाँ बेच रहे हैं, यही आरोप बाद में उनकी पार्टी के तमाम विधायकों ने लगाए, और आज स्थिति यह है कि लीपापोती करने के लिए जो हल्की फुल्की जांचें हुई हैं, जांच समग्र रूप से नहीं हुई है, ये बात मैं आपको कहना चाहता हूं, लेकिन जो हल्की फुल्की जांचें हुई हैं उस पर भी कार्रवाई के लिए मंत्री जी के पास 2 बार फाइल आ गई, और मंत्री जी ने दोनों बार फाइलों में कुछ आदेश किए बिना उन फाइलों को लौटा दिया, क्योंकि मंत्री जी स्वयं इस काम में संलिप्त हैं, मंत्री जी इस काम में गिल्टी हैं। और अब एक बड़ी खबर रुड़की से आपको देते हैं, जहां इनकम टैक्स विभाग का छापा पड़ा है। एल्यूमिनियम उत्पाद बनाने वाली कंपनी पर यह छापा पड़ा है। रुड़की से बड़ी खबर, कंपनी के अंदर इनकम टैक्स की टीम दस्तावेज खंगाल रखी है। दिल्ली से आई इनकम टैक्स की टीम ने छापा मारा है। रुड़की से ये बड़ी खबर, जहां एल्यूमिनियम उत्पाद बनाने वाली कंपनी पर छापा पड़ा है, इनकम टैक्स की टीम यहां पहुंची है छापेमारी करने। जानकारी है कि कंपनी के अंदर इनकम टैक्स की टीम दस्तावेज खंगाल रही है। उधर लालकुआ में सेंचुरी पेपर मिल के मजदूर नौकरी से निकाले जाने के खिलाफ धरना दे रहे हैं। इनके धरने को समर्थन देने के लिए हरीश रावत और यशपाल आर्य भी मौके पर पहुंचे। कांग्रेस का कहना है कि अगर नौकरी से निकाले गए कर्मचारियों को वापस नहीं रखा गया तो कांग्रेस कार्यकर्ता भी धरने पर बैठ जाएंगे। लोकतंत्र के अंदर बात न करना ही, संवाद न करना ही सबसे बड़ा अन्याय, और इस अन्याय के खिलाफ हम लोग लड़ाई लड़ेंगे, और अभी अभी हम लोगों ने तय किया है, यहाँ पर सब लोगों की सहमति से तय किया है कि यदि 2-4-5 दिन के अंदर इसका समाधान समुचित नहीं निकलता है तो 10 दिन के बाद यशपाल आर्या जी और सुमित हृदय जी, दुर्गापाल जी, यहाँ के जिला कांग्रेस कमेटी के नेतृत्व में हम लोग यहाँ पर फिर धरना शुरू करेंगे। आज देहरादून आईएमए में कैडेट्स के लिए ऐतिहासिक दिन रहा, जहां आईएमए की पासिंग आउट परेड के बाद देश को 314 जाबाज अफसर मिल गए हैं। पासिंग आउट परेड की 4 तस्वीरें आपके सामने हैं। एक तरफ कैडेट्स के कदम ताल करते हुए परेड की तस्वीरें आप देख सकते हैं, तो वहीं परेड की सलामी लेते हुए मुख्य अतिथि लेफ्टिनेंट जनरल योगेंद्र डिमरी ने परेड की सलामी ली है। एक तस्वीर में आप हेलीकॉप्टर से बारिश की तस्वीर आप देख सकते हैं किस तरह से, एक और तस्वीर आप कैडेट्स के परिजनों को देख सकते हैं कितने खुश वे नजर आ रहे हैं।
से तने सीने देश के जांबाज अफसरों के हौसले बयां कर रही हैं। कदम ताल करते जेंटलमैन कैडेट्स के लिए ये लम्हा बेहद ही खास है। आईएमए की पासिंग आउट परेड, भारतीय सेना को 314 युवा अफसर मिल गए। इनमें मित्र देशों के 30 कैडेट्स भी शामिल हैं, जो आईएमए से कड़ा प्रशिक्षण लेकर अपनी अपनी देश के सेना का बनेंगे हिस्सा। वो जगह है जहां पर देश के रणबांकुरों के अंदर फौलाद भरा जाता है। एक ऐसी सेना तैयार होती है जो दुश्मन के दांत पल भर में खट्टे कर दे। ये वो जाबाज हैं जो दुश्मन को पल भर में मिट्टी में मिला सकते हैं। इनके जीवन का सिर्फ पहला और आखिरी मकसद सिर्फ देश सेवा। ये देश के वो वीर सपूत हैं जो जान हथेली पर रखकर चलते हैं। कड़ी ट्रेनिंग और अनुशासन वाले दिनचर्या के बाद एक जेंटलमैन कैडेट्स को देश की सेवा का मौका मिलता है। जाहिर है ये लम्हा इन जेंटलमैन कैडेट्स के लिए बेहद खास है। एबीपी गंगा के लिए देहरादून से विनोद कुमार की रिपोर्ट। तो इस पासिंग आउट परेड के बाद 314 युवा अफसर सेना का हिस्सा बन चुके हैं, जबकि 11 मित्र देशों के 30 कैडेट्स भी पास आउट हुए हैं। अब आपको दिखाते हैं कि पास आउट हुए कैडेट्स की राज्यवार संख्या किस तरह से है। इसमें यूपी के 51 कैडेट्स पास आउट हुए हैं, तो वहीं उत्तराखंड के 29, हरियाणा के 30, बिहार के 24, पंजाब के 21 कैडेट पास आउट हुए हैं, जबकि राजस्थान के 16, दिल्ली के 13 और साथ ही हिमाचल प्रदेश की संख्या 17 कैडेट्स की है। इंडियन मिलिट्री एकेडमी से आज 344 जेंटलमैन कैडेट पास आउट हो चुके हैं और मेरे साथ में कुछ कैडेट्स हैं। हम बात करेंगे, हमारे साथ में अजय रेड्डी जी हैं। किस तरीके का सफर रहा रेड्डी जी और सेना में आज से अधिकारी बनने जा रहे हैं? जो भी यहाँ पे हैं, इसकी मेन कारण है हमारा पेरेंट्स और यहाँ पे इंस्ट्रक्टर्स और जो हमारे यहाँ तक पहुँचने के लिए मदद किया, सभी की वजह से हम यहाँ पे हैं। बिष्ट जी, कहाँ से आप? उत्तराखंड से। किस जगह से? मैं अल्मोड़ा से। अकेडमी का सफ़र कैसा रहा? अकेडमी का सफ़र बहुत अच्छा रहा। इस अकेडमी में हमने बहुत सारी चीज़ें सीखी हैं, मेंटल एंड फिजिकल टफनेस। और मैं उत्तराखंड के सभी नौजवानों को यही कहना चाहूँगा कि हार्डवर्क इज द सक्सेस ऑफ योर की। कीप ऑन डूइंग हार्डवर्क, डोंट वेट फॉर द रिजल्ट एंड कीप ऑन डूइंग योर हार्डवर्क। यादव जी से बात करेंगे। सर, आज सेना में आप हिस्सा हो गए हैं, अधिकारी बन चुके हैं, किस तरीके का ये सफ़र रहा और देश प्रेम का जज्बा किस तरह से आप देखते हैं? सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि इस अकेडमी में जो भी आता है उसके अंदर जोश, जुनून, उत्साह ऐसे भर जाता है कि उसकी ट्रेनिंग पता ही नहीं चलती कैसे निकल जाती है। और दूसरी बात मैं ये कहूँगा कि अगर इफ़ यू हैव टू सक्सेसफुल इन योर लाइफ देन यू मस्ट फोकस ऑन दी डिसिप्लिन नॉट एन मोटिवेशन, बिकॉज मोटिवेशन इज जस्ट फॉर अ टेम्परेरी बेसिस। इफ़ यू आर डिसिप्लिन देन यू विल बी जस्ट गेटिंग सक्सेसफुल इन लाइफ एंड देयर विल बी नो ऑब्स्टेकल विच कैन स्टॉप यू। थैंक यू। आप क्या कहेंगे, कहाँ से हैं आप? आई एम फ्रॉम आंध्र प्रदेश, साउथ। आप इन अकेडमी से हुए हैं, किस तरह से आप देखते हैं इस पूरे सफ़र को और देश में देशभक्ति का जज्बा? हैविंग वर्कड इन द कॉर्पोरेट फॉर 5 years, नाउ गेटिंग इनटू द आर्मी इज आई फील क्वाइट एलेटेड। मुझे बहुत हिम्मत होती है कि मैं देश को सर्व करने वाला हूँ। एक बड़ी खबर हरिद्वार से मिल रही है, जहाँ बच्चा चोरी से हड़कंप मच गया। भिक्षा मांगने आया शख्स बच्चे को लेकर फरार हो गया। सीसीटीवी के जरिए आरोपी की तलाश अब की जा रही है। हरिद्वार का ये मामला है जहां भिक्षा मांगने के लिए एक शख्स आया था और वो बच्चे को चोरी कर ले गया। फिलहाल इसकी तलाश में पुलिस जुटी हुई है।
एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।